एल्फिंस्टन और पैरेल रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले पुल पर शुक्रवार की सुबह मची भगदड़ की घटना में 18 पुरुष और 4 महिला समेत कुल 22 यात्रियों की मौत हो गई है और 36 से अधिक जख्मी हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दर्दनाक दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया है। इन सब के बीच से एक चश्मदीद ने बात करते हुए हादसे के खौफनाक मंजर को बयान किया। मुंबई की एक निजी कंपनी में बतौर प्रोड्यूसर काम करने वाली स्नेहा चौरसिया हादसे के वक्त एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर ही थी। उन्होंने हादसे के खौफनाक मंजर को बयान करते हुए बताया, मैं हर दिन की तरह चैम्बूर से कांदीवली अपने ऑफिस के लिए सुबह 8 बजे निकल जाती हूँ, पर शुक्रवार को कुछ काम था तो 9:30 बजे गई। ट्रेन में बैठने के बाद के सफर को बताते हुए स्नेहा ने कहा, बारिश का मौसम लगभग बन रहा था, सायन आते आते तेज बारिश की शुरुआत हो गई। करीब 10:15 पर मैं परहेल उतरी, मुझे एल्फिंस्टन से चर्च गेट के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। बारिश तेज हो चुकी थी। पैरल से एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज पर मैं चढ़ी। वहां पहले से ही काफ़ी भीड़ थी, बारिश से बचने के लिए ज़्यादातर लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। आगे स्नेहा ने बताया, सब बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त इतनी भीड़ थी कि हाथ भी नहीं हिला सकते थे। इसी दौरान कई लोगों के मोबाइल भीड़ में गिर गए, लोग एक दूसरे के पैर पर चढ़ रहे, मेरा भी पैर कई बार दबा। जैसे तैसे मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकली, लेकिन तभी अचानक वहां पर पुल गिर गया और पुल गिरने से कई लोग जख्मी हो गए और कई लोगों की मृत्यु हो गई। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।